Protein folding is still continued in this module also. In the last module, we have discussed the chaperons or heat shock protein 70. We will briefly discuss the heat shock protein 60 or chaperon 60 family, which is the HSP 60 family of chaperons, sometimes called chaperonins. It differs in sequence and structure from HSP 70, and its homology is also different. Iska structure bhi HSP 70 se different hai aur homology bhi different hai HSP 70 se. So isko hum sometimes chaperonins bhi keh dete hain. HSP 60 acts later in the folding process, often together with the HSP 70 chaperons. Ye HSP 60 जो है ये लेटर ऑन आती है, HSP 70 अर्ली जहाँ इंटरेक्शन हाइड्रोफोबिक उनको तोड़ने के लिए यूज़ होती है, लेकिन उसके साथ ही जहाँ और डिफरेंट इंटरेक्शन हैं जहाँ हाई काइनेटिक बैरियर्स आ जाते हैं वहाँ HSP 60 इन्वॉल्व होती है और वो इट एक्ट्स टुगेदर विद दी HSP 70 शेप्रोन्स. HSP 60 शेप्रोनिन्स फॉर्म अ मल्टी सब यूनिट बैरल शेप्ड स्ट्रक्चर. इसकी स्ट्रक्चर जो है वो एक बैरल शेप्ड होती है. अगर जिस तरह किसी चीज़ को डाई में से गुजारें तो उसकी पर्टिकुलर वो शेप बन जाती है. अगर ये डाई है, इसके अंदर से मैं कोई चीज़ गुजारूँ तो वो उसी शेप की होकर निकल आएगी अगर वो फोल्ड होने के काबिल है. द अनफोल्डेड प्रोटीन फिट्स इन टू द बैरल कैविटी एंड एक्सक्लूड्स वाटर एंड सर्व एज ए टेम्पलेट फॉर द फोल्डिंग प्रोसेस. कि इसी तरह ये एच एस पी 70 बैरल शेप जो है ना वो प्रोटीन है, इसके अंदर से जिस वक्त प्रोटीन गुजरती है तो उसको उस पर्टिकुलर शेप में ले आती है और उसके लिए जो है ना वाटर मॉलिक्यूल्स उसमें से निकल जाते हैं और ये एक्ट करती है एज ए टेम्पलेट के बैरल जो है ना वो जिस तरह डाई है, डाई के अंदर से कोई चीज़ गुजरती है तो उस डाई की पर्टिकुलर शेप इख्तियार कर लेती है. This is the diagrammatic structure of the presentation of the HSP 60. के ये we can see के ये एक barrel shaped है यहाँ पे और ये different उसके parts हैं. यहाँ पे protein enter हो रही है यहाँ से. ये ultimately इस barrel की जो shape है वो इसको convert कर देगी इसमें folded protein में और ये HSP 60 again यहाँ पे kinetic जो है barrier को overcome करने के लिए ATP को कन्वर्ट करेगी ATP में. शेप्रॉन्स प्रोटीन्स आल्सो कॉल्ड रेस्क्यू अनफोल्डेड प्रोटीन्स. के ये शेप्रॉन्स प्रोटीन्स जो हैं ये रेस्क्यू करती हैं, गाइड करती हैं जो ऐसी प्रोटीन्स हैं जो प्रॉपरली फोल्ड नहीं हो सकी, तो वहाँ पे भी शेप्रॉन्स प्रोटीन्स उसको गाइड करके प्रॉपरली फोल्ड कर देती हैं. दैट हैव बिकम थर्मोडायनेमिकली ट्रैप्ड इन ए मिसफोल्डेड डेड एंड बाई अनफोल्डिंग हाइड्रोफोबिक रीजन्स एंड प्रोवाइडिंग अ सेकेंड चांस टू फोल्ड प्रोडक्टिवली. कि इसकी जब ऐसी फॉर्म में चली जाती हैं प्रोटीन्स फोल्डिंग में कि एक हाई एनर्जी बैरियर आ गया, हाई काइनेटिक बैरियर आ गया, तो उसकी वजह से मिस फोल्डिंग में चली गई, डेड एंड में चली गई, वो प्रॉपरली फोल्ड नहीं हो सकी, तो उस डेड एंड से भी निकालने के लिए इसको ये दोबारा जो शेप्रॉन्स हैं ये आ जाती हैं, उसको गाइड करती हैं, उसको रेस्क्यू करती हैं और अल्टीमेटली उसको ऐसी प्रोटीन फॉर्म में ले आती हैं जो नेटिव है, जो जो एक प्रॉपर कन्फर्मेशनल चेंज है, जो प्रोडक्टिविटी दे सकती है, जो फंक्शनल प्रोटीन फॉर्म में इसको दोबारा ले आती हैं. एंड दिस इज दी अनदर फंक्शंस ऑफ द शेप्रॉन्स. फाइनली द फोल्डिंग पाथवेज ऑफ सम प्रोटीन्स रिक्वायर टू एंजाइम्स दैट कैटलाइज आइसोमराइजेशन रिएक्शन. जिस तरह हमने पहले डिफाइन किया ब्रीफली के शेप्रॉन्स क्या होती हैं, उसमें दो किस्म की शेप्रॉन्स हैं, एक एच एस पी 70 है, दूसरी एच एस पी 60 है. 70 और 60 मिल के कुछ काम करती हैं, कुछ अलग अलग काम करती हैं जो काइनेटिक बैरियर्स को ओवरकम करती हैं. इसी तरह एक दो एंजाइम्स को भी हम ब्रीफली डिफाइन करेंगे जो यहाँ पे आइसोमराइजेशन ऑफ प्रोटीन्स के लिए रिक्वायर होते हैं. Protein disulfide isomerase is one of the enzyme, is a widely distributed enzyme that catalyzes the interchange or sulfide and disulfide bonds until the bonds of the native conformation are formed. अगर कहीं बहुत सारे disulfide bonds बन गए, disulfide bridges हैं, तो वो हमने पहले भी देखा था कि बाज़ जगह पे जिस तरह सिस्टीन दो मॉलिक्यूल्स हैं वहाँ एंजाइम की ज़रूरत नहीं है,
जो है विदाउट एंजाइमेटिक जो रिएक्शन जो है वो डाइसल्फाइड लिंकेज बन जाती है। लेकिन बहुत सारी जगह पे जहाँ बहुत सारे डाइसल्फाइड बॉन्ड्स आ जाते हैं, मिथियोनिन है या सिस्टीन है, वो करीब करीब आ गई, तो वहाँ पे उसकी लिंकेज के लिए एंजाइम रिक्वायर्ड हो जाता है। तो ये एंजाइम जो है इट इज़ नोन एज प्रोटीन डाइसल्फाइड आइसोमरेज। तो ये क्या कर रहा है, ये कैटलाइज द इंटरचेंज और शफलिंग ऑफ द डाइसल्फाइड बॉन्ड, कि एक डाइसल्फाइड बॉन्ड को उठा के रीशफल कर देता है जहाँ उसकी रिक्वायरमेंट है उस प्रॉपर प्रोटीन के लिए। सो दिस इज एन अदर रिएक्शन विच इज इन्वॉल्व इन द फोल्डिंग ऑफ द प्रोटीन एंड दिस इज ड्यू टू दीज पर्टिकुलर एंजाइम्स।